हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडिक्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ के बारे में कि नीट 2021 के होने के बाद हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, एक हल्का सा प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 2020 की अगर बात करें, नीट 2020 में जनरल कैटेगरी के लिए 624 मार्क्स थे, ओबीसी कैटेगरी के लिए 624 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 538 मार्क्स थे और एसटी कैटेगरी के लिए 507 मार्क्स थे। तो यहीं पर अगर आइडिया लगाया जाए कि 25 मार्क्स अप्रोक्सली डाउन जाने वाली है इस बार कट ऑफ। तो अगर आप नीट 2021 में जानना चाहते हैं तो नीट 2021 में जनरल कैटेगरी के लिए 595 प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकता है, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 595 प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकता है, एससी कैटेगरी के लिए 505 प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकता है और एसटी कैटेगरी के लिए 480 प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकता है। ये बात की हमने मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा मानना है कि मार्क्स से अच्छा क्राइटेरिया ऑल इंडिया रैंक है। तो लास्ट ईयर की ऑल इंडिया रैंक जो होगी लगभग उसी के आसपास, अगर आपके रिजल्ट के बाद ऑल इंडिया रैंक बनती है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो उन रैंक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो एक परफेक्ट आइडिया होता है कट ऑफ के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, आपकी रैंक 10,457 के अंडर होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 10,495 के अंडर होनी चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 57,003 के अंडर होनी चाहिए और अगर एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो 81,206 के अंडर होनी चाहिए। अगर आपकी ये रैंक नीट 2021 के रिजल्ट के बाद बनती है तो आपको हिमाचल प्रदेश में कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपके कोई डाउट हो, क्वायरी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और अपना डाउट और क्वायरी पूछ सकते हो। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।